Hello students, welcome back. In the previous video we have discussed about addition and subtraction of the algebraic expression. Now today in this video we are going to discuss how to find out the value of an algebraic expression. Okay, तो क्या होता है बेटा, आपको एक algebraic expression given होता है और उसके variables की value given होती है. Let's take an example. We have an example 4x square plus 8y minus 9xy. और यहाँ पे वैल्यू गिवन है x इज इक्वल टू माइनस वन एंड y इज इक्वल टू टू. आपको क्या करना है, x के प्लेस पे माइनस वन पुट करना है और y के प्लेस पे टू पुट करना है. तो x स्क्वायर था तो हमने माइनस वन का स्क्वायर कर दिया, देन y के प्लेस पे हमने वैल्यू टू पुट कर दी, देन माइनस नाइन इंटू x है तो x के प्लेस पे माइनस वन, टू के प्लेस पे टू, y के प्लेस पे टू. ओके, देन वी नो दैट स्क्वायर ऑफ माइनस वन, देखिए कैसे किया है मैंने, माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन, माइनस माइनस इज प्लस वन, वन जा वन तो पॉजिटिव वन आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे प्लस वन पुट कर दिया. एट टू जा सिक्सटीन होता है, देन माइनस नाइन इंटू टू, वन जा टू, प्लस माइनस माइनस. क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप फोर वन जा फोर, सिक्सटीन विल रिमेन सेम. नाउ अगेन माइनस नाइन इंटू माइनस टू, जब हम माइनस नाइन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस इज पॉजिटिव एंड नाइन टू जा एटीन, क्या मिला हमें, प्लस एटीन. इन सबको एड कर देंगे, वट डू वी गेट, प्लस थर्टी एट. ओके, नाउ सिमिलरली वी हैव एन अनदर एग्जाम्पल थ्री इंटू एक्स माइनस ए प्लस फाइव इंटू ए माइनस एक्स. और यहाँ पे वैल्यूज गिवन है ए की माइनस टू एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज टू. So in place of x we put 2 and in place of a we put minus 2. Similarly here 5 into bracket है तो a के place पे हमने minus 2 को put कर दिया, in place of x we put plus 2 तो plus minus minus हो जाएगा. Then 3 into 2, ये 2 तो same है, इसमें तो कोई हमने change किया नहीं है, then minus minus is positive तो positive 2 आ जाएगा. Then 5, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन यहाँ पे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल लगाएंगे तो नेगेटिव साइन रहेगा और टू प्लस टू डिजिट्स विल सम अप तो फोर हो जाएगा. ओके, थ्री इंटू टू प्लस टू इज फोर, प्लस फाइव इंटू माइनस फोर, देन अगेन सॉल्व किया, थ्री फोर जा ट्वेल्व, फाइव फोर जा प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस ट्वेंटी, विच इज डिजिट इज ग्रेटर, 20 is greater, so the sign will remain negative. 20 minus 12 is 8. Got it? Now, in next example, we have 2 into k square plus 2lk plus 5 minus lk plus l square. ये हमें given है और values are given that we have to put k is equal to 5 and l is also equal to 5. Clear? Now, 2 into k square था तो 5 का square हो जाएगा, plus 2 into what is the value of l, 5, value of k 5, plus 5 minus l, l के place पे 5, k, ये यहाँ पे जो sign आपको दिखाई नहीं दे रहा that is multiply, 5 multiply 5 plus 5 square. Clear? Now the square of 5 is 25, 2 5s are 10, 10 5s are 50. Clear? Next 5 एंड 5 5 इज 25 प्लस 25, देखिए अब यहाँ पे दोनों 25 है तो 25 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट सेम नंबर फ्रॉम द सेम नंबर वी गेट 0. ओके, सो वी व्हाट डू वी गेट, 50 प्लस 25 इज 75 इनटू ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई प्लस 5 प्लस इसके प्लेस पे क्या आ गया, 0. Now 2 into 75 is 150, 150 plus 5 is 155, 0 का तो कोई addition add करो या subtract करो, what do we get, 0. तो this is the topic that we had to find out the value of an algebraic expression. एक बार फिर से दोबारा revision करेंगे, कैसे, जब आपको कोई भी algebraic expression given होता है तो आपको क्या करना है, जो भी variable है उनकी values given है और वेरिएबल्स के प्लेस पे आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है. जैसे यहाँ पे एक्स के प्लेस पे माइनस वन, वाई के प्लेस पे टू, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में अगर आपका, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस एल है, एल स्क्वेयर की जगह पे आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यूज पुट करते जाना है एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, दैट
Our next topic is using algebraic expression. Algebraic expressions को use कैसे करते हैं हम? Formulas and rules. कुछ formula और rules को discuss करेंगे हम regarding equilateral triangle, square, rectangle and area of triangle. तो बेटा equilateral triangle क्या होता है? Equilateral triangle वो the triangles which have all equal sides. ठीक है, जिसकी सारे की सारी साइड्स इक्वल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं. तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अज्यूम कर देते हैं लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर. ओके, एक्स सेंटीमीटर लिए हमने, तो इसका जो पेरीमीटर होता है बेटा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ किसी भी ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल का साइन होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. तो इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, यहां पे हो जाएगा इसकी तीनों की तीनों साइड क्या हो जाएंगी, x plus x दैट इज इक्वल टू 3x. तो हम पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल को कैसे लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. देखिए यहाँ पे मैंने खाली ट्राइंगल लिखा था तो ये किसी भी ट्राइंगल में एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, 3 into side that is equal to 3 into x. ओके, तो देखिए हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यूज किया है टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. सेकेंड इज स्क्वेयर. अब आपको पता है स्क्वेयर की साइड्स क्या होती हैं, सारे के सारे इक्वल साइड्स होती हैं, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर होता है हमारा 4 into side, राइट. अब हम ले लेते हैं लेट द साइड ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू अगेन एक्स ए बी सी डी, जो भी आप वेरिएबल मानो चाहो, मैं ए मान लेता हूं ए सेंटीमीटर. ओके, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा बेटा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 into side that is equal to 4 into a, क्लियर, या 4a. नाउ नेक्स्ट इज अगर एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ स्क्वेयर क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ स्क्वेयर इज साइड इनटू साइड दैट इज इक्वल टू साइड स्क्वेयर विच विल बी इक्वल टू ए स्क्वेयर. ओके, नाउ कम ऑन टू द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास दो डायमेंशंस होते हैं, एक लेंथ होती है एक ब्रेड्थ होती है. तो यहां पे हमें दो वेरिएबल्स का यूज करना पड़ेगा. सो लेट्स टेक लेट द length of rectangle is equal to x centimeter. ओके, आप मीटर्स में भी ले सकते हैं, doesn't matter. And the breadth of rectangle is equal to y centimeter. तो बेटा हमारे पास इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 into length plus breadth. ओके, सो 2 into length के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, x plus y. और अगर अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आपको x की और y की वैल्यू गिवन है देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल. ओके, अगर एरिया निकालना हो, इसी का अगर एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ दैट इज इक्वल टू लेंथ इज एक्स मल्टीप्लाई वाई. ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट माय पॉइंट. ओके, नाउ अगेन हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 into base into height. अब यहां पर भी हमारे पास दो डायमेंशन है, एक बेस एक हाइट. तो हम क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे. लेट द बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर या मीटर एंड
the height is equal to y सेंटीमीटर. क्लियर? तो इसमें अगर हम पुट करेंगे इसको, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बिकम 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई. गुड माई पॉइंट. नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दीज पैरामीटर्स. ओके, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल का है, रेक्टेंगल का है, स्क्वेयर का है, इन सब का मैं आपको एक एक एग्जाम्पल लेकर के करवा रहा हूँ. तो एग्जाम्पल लेकर के कैसे सोल्व करेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है. क्लियर? जैसे आपको गिवन है, सपोज कीजिए यू आर गिवन दैट द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर. तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 9 into side. ओके, 9 into 3. क्लियर? क्योंकि 3 sides होते ट्राइंगल में, क्या फॉर्मूला होता है, पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, 3 into side. तो 3 into side इज गिवन 9 centimeter, सो इट विल बिकम 27 centimeter. सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल, इफ साइड ऑफ स्क्वेयर गिवन है, साइड ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 centimeter आपको गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर एज वेल एज द एरिया. पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो क्या हो जाता है, 4 into side, दैट इज इक्वल टू 4 into 4 centimeter विच विल बिकम 16 centimeter. गॉट माय पॉइंट? सिमिलर अगर इसी स्क्वेयर का आपको एरिया फाइंड आउट करना हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू साइड स्केयर यानी कि 4 का स्केयर विच इन टर्न बिकम 4 into 4 इज इक्वल टू 16 centimeter स्केयर. क्लियर है? लाइकवाइज यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, आपको कोई भी फिगर दे रखी हो, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्केयर, ओके, उसका एरिया फाइंड आउट करना है या फिर उसकी पैरामीटर फाइंड आउट करनी है, तो वी कैन यूज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लाइक दिस. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.